माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। इस सरकार में बैठे हुए कुछ लोग तो चाहते ही हैं कि यहाँ जंतर मंतर पर जितने क्रांतिकारी आए हैं ये सब के सब हिंसक हो जाएं और तोड़फोड़ मचाने लगे, मीडिया से तोड़फोड़ मचाएं, कुछ के बसों पे तोड़फोड़ मचाने लगे, पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। सरकार की जय जय, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा उठा नहीं उठे। एक नेता को वोट देते हैं, हर एक वोट एक विश्वास का वोट होता है कि मैं आपको अपना वोट दे रहा हूं और आपको विश्वास डालता हूं, आप मेरी अपने देश की जिम्मेवारी को समझदारी से निभाएं। वो इन्होंने विश्वासघात किया, इन सब ने मिलके हमारे साथ विश्वासघात किया। इनके खिलाफ सबूत बनाए नहीं हमने, इनके खिलाफ सबूत मिले। और वो जो इतने सारे लोग जिनके खिलाफ अभी सबूत मिले नहीं है या हैं तो हम छिपे हुए। एक आवाहन है अन्ना जी की तरफ, अगर हम सब कहते हैं अन्ना आज के देश के आज के युग के गांधी हैं जो हमको दिख रहे हैं। मैं तो कह रही थी मुझे कितना सौभाग्य है कि अन्ना को मैं देख पा रही हूँ, अन्ना को हम सुन पा रहे हैं, अन्ना के पास बैठने का मौका मिल रहा है, गांधी जी के पास बैठने का मौका कैसे मिला है? किसी को भी नहीं मिला तो यहाँ बैठे। आज हमको ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का मौका मिल रहा है जो एक शुद्ध आत्मा है, शुद्ध विचारधारा रखता है। हमारे देशभक्त साथी जो यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए हैं, इस आशा के साथ, इस आंदोलन से इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन होगा। सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं खत्म होगा पर पूरी व्यवस्था का परिवर्तन होगा। ये ऐसी लड़ाई है जहां पे हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज है, वो है सच, सत्य। लेकिन सत्य भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं अपील करूं अरविंद से, अन्ना से, कि वो अनशन का रास्ता छोड़कर आंदोलन को जारी रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में इतना संभाला है कि इतना भी दाग नहीं लगने दिया। आप भ्रष्ट मंत्री मेरे पास आएंगे तो मुझे दाग लगेगा। अभी जब तक बाढ़ नहीं आती और ये नदियां साफ नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। अभी मैं ये नदियों को साफ करने के लिए बाढ़ का इंतजार कर रहा हूं देश में। एयरफोर्स का प्लेन रेडी रखा था, मुझे गाड़ी में बिठाना, घर में लेकर जाते बोल के बताना और सीधा गाड़ी एयरपोर्ट, और मुझे प्लेन में बिठाना और वहां से सीधा पुणे एयरपोर्ट, और पुणे एयरपोर्ट से भंडारदरा। ये अनशन ना हो जाए, ये प्लान था। किसका प्लान था? अरे पी चिदंबरम, इनका ये प्लान था। इसलिए मैंने कहा अगर लोकपाल होता तो ये पी चिदंबरम जेल में होता, अगर लोकपाल होता तो। इतने झूठे लोग